हेलो फ्रेंड्स, मंडे नाइट रॉ में कोडी रोड ने खुद ही अनाउंसमेंट किया है ब्रॉक लेसनर बसेस कोडी रोड का मैच हमें देखने को मिलेगा। और ये बात मंडे नाइट रॉ में कोडी रोड ने खुद ही अनाउंसमेंट की है। तो क्या कुछ हुआ है, चलिए जानते हैं। तो मैं हूँ आपकी दोस्त और आप देख रहे हैं WWE with Istria। सबसे पहले कोडी रोड रिंग में आते हैं। रिंग में आने के बाद ये कहते हैं कि मैं रॉयल नंबर का विजेता हूँ, मैंने रॉयल नंबर को जीता है, बट मैं रोमन रिंग से हार गया वेसलमेनिया में। लेकिन मैंने अपना पूरा 100% दिया मैच में, मैंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन मैं फिर भी हार गया। उसके लिए मैं आप लोग से सबसे सॉरी कहना चाहता हूँ। मतलब यहाँ पे कोडी रोड ने मतलब वेसलमेनिया में हार के अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं यहाँ पर। तो यही सब कहते हैं और ये भी कहते हैं साथ ही कि ब्रॉक लेसनर ने जो मेरे ऊपर अटैक किया है, अब मैं उसका बदला लूँगा। मैं ब्रॉक लेसनर के साथ बैकलेस में फ़ाइट करना चाहूँगा और बैकलेस में फ़ाइट करूँगा और मैं जीतूँगा भी। तो यही सब कहते हैं कोडी रोड। और कोडी रोड ये भी कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर से मुझे अभी भी डर लगता है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर ने जिस तरह से मेरे ऊपर अटैक किया था पिछली बार जब रोमन रिंग्स और सोलो सिकुआ के अगेंस्ट में हम लोग का फाइट होने वाला था, उस टाइम ब्रॉक लेसनर ने मुझे धोखा दिया था। इनफैक्ट धोखा ही नहीं दिया था, मुझे बहुत ख़राब तरीक़ा से मेरी पिटाई भी की थी। तो यही सब कहते हैं और उसे मतलब बेसिकली उसे ख़राब लगा है जो ब्रॉक लेसनर ने उसके साथ किया है। तो उसी का रिवेंज साइट लेंगे ब्लैकलिस्ट में। तो ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड है और आप क्या चाहते हैं इस मैच में, कौन जीते, ब्रॉक लेसनर जीते या कोडी रोड जीते, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।